सुबह की सभी को राम राम। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज की सुबह हमारी 8:15 के करीब है और अब हम निकल चुके हैं अपने रास्ते पे, अपने काम पे। तो ये कह रहा था कि गर्मी तो है लेकिन हवा काफ़ी तेज चल रही है, इस वजह से अभी तो फिलहाल अच्छा मौसम है। और ये देखिए कैसे भागते हुए पतली गलियों में दौड़ते हुए आ रही है। तो भाई सभी लोगों को जो है वेलकम है, सुबह की राम राम है, सुप्रभात है। और अब हम बढ़ रहे हैं पनकी ब्लॉक की सड़कों में और आज जो है काफ़ी काम है, तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ना आपको देखने को मिले, लेकिन जितना भी होगा कोशिश करेंगे आपको सड़कों के दृश्य दिखाते रहेंगे, आपको घुमाते रहेंगे। तो अभी हम पहुंच रहे हैं पनकी रेलवे क्रॉसिंग ई ब्लॉक ओवरब्रिज के पास और मिलते हैं आगे, बने रहिएगा। आ चुके हैं हलीजर बोर्ड एंड स्कूल इंटर कॉलेज पनकी सी ब्लॉक और ये रहा है हलीजर बोर्ड एंड, नाम तो बड़ा अंग्रेजी रखा है, हलीजर बोर्ड एंड स्कूल। आप बोर्डन स्कूल और ये पाम का ट्री लगा है, ये बात। तो अभी बढ़ते हैं आगे, हम ज्यादा के हैं मैजी रोड पर और सड़क पार कर रहे हैं और यहाँ से अब हमें जाना है राजनगर। आप ये देख सकते हैं और अब रास्ता कुछ खराब आ रहा है, तो आपको झटके महसूस होंगे, ये बात। पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि आपको हिलते हुए दृश्य कम देखने को मिले, लेकिन वो तो मिलेंगे ही। सलाम। तो आप देख सकते हैं ये रोड सीधे नहर की तरफ गई है, पनकी नहर। ओ भाई, और अभी एक छोटा सा मंदिर आएगा, उसको आपको दिखाएंगे। उसके पहले ये देख सकते हैं गाय माता लड़ रही है नंदी महाराज से। काम ज्यादा है तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ से। जय माता दी। देखिए रही दुर्गा जी की प्रतिमा, ये है सामने। चलिए बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं आगे। तो जी अभी हम जल्दी 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 करते करते जो है अभी आ चुके हैं हम पनकी बी ब्लॉक में चर्च वाली रोड पे और आज थोड़ा जल्दी है, काम भी ज़्यादा है, तो कस्टमर ने जल्दी बुलाया, तो हम बहुत ही द्रुत गति से तीव्र गति से जो है जा रहे हैं। और बीच बीच में आपको भी जो है आपका भी मनोरंजन करते रहेंगे, आपको भी एंटरटेन करते रहेंगे। तो हम बहुत ही तीव्र गति से जो है बढ़ रहे हैं और अब हम पनकी बी ब्लॉक में चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। धूप तो है काफ़ी, लेकिन मतलब हवा चल रही तो थोड़ा बहुत
उससे राहत है, लेकिन अभी तो नौतपा में जितनी गर्मी थी उतनी फिलहाल नहीं है। और आजकल जल्दी निकल जाने से एक फ़ायदा हो जाता है, समय रहते जो है काम निपटा लेते हैं। दिखाते हैं मधुमक्खी का छत्ता कितना बड़ा लगा है, ये देखिए कितना बड़ा छत्ता है, काफ़ी बड़ा छत्ता है। तो अब चलते हैं, देर हो रही है इसलिए। कितना खतरनाक हो सकता है ये भी उस चीज़ से अनजान है, कोई भी गाड़ी फिसल सकती है। यहाँ पे सड़क पे ही जो है मटेरियल डाल दिया है और जो है इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, इसलिए देख लीजिए सड़क पे रेत फैली है। और जरा सा आपने गाड़ी चलाते हुए हल्का सा मूव किया तो आप फिसल के गिर जाएंगे, क्योंकि आपके टायर का फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आपसे आगे। तो अभी हम बढ़ रहे हैं गौरी धाम गेस्ट हाउस की तरफ, और बहुत ही तेज़ी से जो है फिलहाल अभी हम आ चुके हैं कछुआ तालाब नागेश्वर शिव मंदिर रोड पर, और आधे से ज़्यादा काम आज निपट चुका है। फ़ोन उठाने का मौका नहीं मिला इसलिए जो है रिकॉर्ड नहीं कर सका, और जल्दी 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 से जो है हम अपना काम निपटा रहे हैं। ये देखिए तोता पिंजड़े में कैद है, बेचारा अपनी आज़ादी को तरसता हुआ, लेकिन क्या करें इंसान ने उसको कैद कर रखा है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। धूप अब बढ़ गई है काफ़ी, मंदिर आ चुके हैं और अब जो है यहाँ से काम लगभग थोड़ा बहुत रह गया है। तो अब हम मिलते हैं आपको कल, जो है ज़्यादा कुछ आस्थाने दिखाने को, तो मिलते हैं आपको कल। फिर टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।